हेलो गाइस, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटर में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं रियल एनालिसिस में, मेजर थ्योरी में, फैक्टिव्स लेम्मा। ठीक है ना, तो हमें एक लेम्मा सबसे पहले प्रूव करना है क्या कहता है। इसके डिपेंड पर एक और थ्योरम होती है जो प्रूफ होती है, वो हम बाद में देखेंगे, लेबीज मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, वो इसी के लेम्मा पर डिपेंड रहती है। तो सबसे पहले इसको प्रूव करेंगे, तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या कहता है। ठीक है ना, तो चलिए स्टेटमेंट की ओर। लेट एफ एन बी ए सिक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन। ठीक है ना, एफ एन क्या है, एक नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन है, एंड जो एफ एन है बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, तो दैट इज ऑन एफ ऑन ई, तो देन क्या बताना है हमें कि इंट्रिकल एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू लिमिट अपर लोअर बाउंड एन टेंस टू इन्फिनिटी इंट्रिकल एफ एन ओवर ई। ठीक है, ये बताना है, ये हमारा फैक्टिव लेम्मा का स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ही समझ लो, हमें बताना है कि लेट एफ एन बी ए सिक्वेंस, क्या एक सिक्वेंस है ऑफ इन नॉन नेगेटिव मिजरेबल फंक्शन, मिजरेबल फंक्शन का। ठीक है ना, एंड एफ एन सच दैट एफ दैट इज ऑन ई, ई में है, एफ है एफ एन एफ फंक्शन में, तो इंट्रिकल एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू होता है लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी लोअर बाउंड इंट्रिकल एफ एन ओवर ई। ठीक है ना, चलो हम इसको प्रूव करते हैं। लेट एच बी ए बॉन्डेड मिजरेबल फंक्शन, एच क्या है, एक बाउंडेड मिजरेबल फंक्शन है। ठीक है ना, तो सच दैट एच लेस देन इक्वल टू एफ एंड विच वेस इज आउटसाइड सेट ई डैश ऑफ फाइनाइट मीजर। ठीक है ना, h क्या एक बाउंडेड मिजरेबल फंक्शन है, सच दैट माना कि h लेस देन इक्वल टू f है, एंड विच इज द बेसिस आउटसाइड क्या है, ई डैश का। ठीक है, फाइनाइट मेजर है, देन देखेंगे तो क्या होता है, ई डैश इज इक्वल टू m x सच दैट e, सॉरी x बिलोंग्स टू e सच दैट h x डज नॉट इक्वल टू जीरो इज लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है ना, ये क्या है, नॉन नेगेटिव बताया था ना फंक्शन एफ एन, तो लिखेंगे नीचे से देन इट इज क्लियर दैट, ये क्या क्लियर कर रहा है, इट इज क्लियर दैट ईच एच एन इज बाउंडेड, कि प्रत्येक जो एच एन फंक्शन है वो कैसे हैं, बाउंडेड हैं। ठीक है, किसके द्वारा, वाई द बाउंड्स एच के द्वारा। ठीक है, एंड बेस इज आउटसाइड ई। अब लिखेंगे नीचे से मोर एवर
वी नोट दैट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एच एन एक्स इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मिनिमम एच एक्स का है फंक्शन एफ एन एक्स, ठीक है ना। तो देखेंगे अब इनका जो लिमिट है अंदर जाएगा इनका दोनों में, तो क्या आएगा मिनिमम एच एक्स लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन एक्स में, ठीक है ना। तो लिखेंगे मिनिमम क्या हो जाएगा एच एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एन एक्स था इसको क्या करना था एफ एक्स, तो क्या हो जाएगा नीचे से देखते हैं एच एक्स कॉमा एक्स सच दैट ई की पावर ई डैस, और जहाँ ई की पावर ई डैस बराबर क्या है ए है, ठीक है ना। अब लिखेंगे नीचे से दस इस प्रकार जो एच एन है वो क्या होगा इस यूनिफॉर्मली बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन ठीक है ना। एच एन क्या होगा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट यूनिफॉर्मली बाउंडेड सिक्वेंस ऑफ मिजरेबल फंक्शन, अब लिखेंगे सच दैट, तो सच दैट क्या हो जाएगा कि जो एच एन था इज लेस देन इक्वल टू एन ऑन ई डैश, ठीक है। अब लिखेंगे देयरफॉर बाय द बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम, कन्वर्जेंस थ्योरम से क्या लिखेंगे बी है, हम देखते हैं कन्वर्जेंस थ्योरम से कि इंट्रिकल एच ओवर ई डैश इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी इंट्रिकल एच एन ओवर ई डैश, इंट्रिकल एच ओवर ई इक्वल टू इंट्रिकल एच ओवर ई डैश इसके बराबर है, ठीक है ना। तो ये काय के बराबर हो जाएगा लिमिट अपर बाउंड एन टेंस टू इन्फिनिटी सॉरी लोअर बाउंड एन टेंस टू इन्फिनिटी इंट्रिकल एच एन ई डैश लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोअर बाउंड एफ एन ई के बराबर होगा, ठीक है ना। जब जी एच और एच ई डैश के बराबर हैं तो जी इनका लोअर बाउंड एच एन एफ एन इज़ लेस देन इक्वल टू ई डैश ई के बराबर, इसके लेस देन के और बराबर के होगा। तो लिख सकते हैं नीचे से हैंस टेकिंग द सुप्रीमम ओवरऑल एच लेस देन एफ, तो हम क्या देखते हैं वी गेट पाते हैं कि इंट्रिकल एफ ओवर ई लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोअर बाउंड सॉरी हाँ लोअर बाउंड इंट्रिकल एफ एन ओवर ई, यही हमें क्या करना था प्रूव करना था, यही हमारी थ्योरम, यही हमें फैक्टोस सॉरी थ्योरम फैक्टोस लेम्मा हमारे लेम्मा थ्योरम यहीं तक प्रूफ प्रूफ यही हमें प्रूफ करना था। फैक्टोस लेम्मा का क्या है कि एफ टेंस टू एफ एन है, ठीक है ना। एफ टेंस टू एफ एन है क्या होता है फैक्टोस लेम्मा, अब देखते हैं कि जो इसका इंट्रिकल होता है इंट्रिकल एफ ओवर ई काय के लेस देन के बराबर होता है एक सिक्वेंस, ठीक है ना। कौन सा सिक्वेंस है नॉन निगेटिव मीजरेबल फंक्शन, नॉन निगेटिव मीजरेबल फंक्शन एफ एन, एफ एन क्या है एक नॉन निगेटिव
मीजरेबल फंक्शन, नॉन नेगेटिव मीजरेबल फंक्शन। और जी एफ क्या, एफ एक क्या एक सिक्वेंस है, एफ क्या एक फंक्शन है, ठीक है ना। तो क्या है इंटीग्रल ऑफ, इंटीग्रल एफ का इंटीग्रल ओवर ई लेस देन इक्वल टू क्या होता है, नॉन नेगेटिव मीजरेबल फंक्शन ओवर ई के लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी लोअर बाउंड के बराबर या लेस देन के बराबर होता है। ये क्या होती है तुम्हारी फैक्टोस लेम्मा, ठीक है ना। अब इसी की सहायता से हम एक थ्योरम प्रूव करेंगे। चलो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उस थ्योरम की ओर चलते हैं। ये वाली जो थ्योरम होती है लेबिस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, बिल्कुल फैक्टोलेमा थ्योरम, फैक्टोलेमा के सेम होती है। बस इसमें क्या होता है जो सेट ई होता है ना ओवर ई सेट ई, इससे फ्री होती है, ठीक है ना। देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। लेट एफ एन वी एन इंक्रीजिंग सिक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मीजरेबल फंक्शन, ठीक है ना। एफ एन क्या एक नॉन नेगेटिव इंक्रीजिंग मीजरेबल फंक्शंस हैं। एंड लेट, मानते हैं कि एफ इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन है, तो दैट इज काय पे है ऑन ए सेट ई पर। तो देन उसमें हमने क्या बताया था फैक्टोलेमा में कि जो इंट्रीकल होता है एफ काय के ऊपर ई के पक्ष में लिया जाता है, लेकिन इसमें नहीं रहता है, ठीक है ना। और उसमें क्या था लेस देन इक्वल टू था, लेकिन इसमें क्या होती हैं बराबर होती हैं। और लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी उसमें क्या था लोअर बाउंड था, इसमें क्या रहता है लोअर बाउंड कुछ नहीं रहता है, ओनली फ्री रहता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी के डिपेंड पर रहती है एफ एन फंक्शन रहता है, ठीक है ना। लेविस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या होती है कि जो इसमें देखा था ना तुमने, देखो कि अभी जो फैक्टोलेम्मा थ्योरम एफ एन ए सिक्वेंस और नॉन नेगेटिव मीजरेबल फंक्शन, जो ई था जो एफ है, एफ क्या है इसके ई के इसमें सेट ई के उपलक्ष्य में लिया है ओवर सेट ई ओवर ई के में, ठीक है ना। ए लोअर बाउंड और सेट ई के एफ एन सिक्वेंस था, एक का के था लेस देन इक्वल टू के बराबर थी, ठीक है ना फैक्टोलेम्मा थ्योरम। बट इसमें जो है लेविस मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम में है इसमें कोई इधर ई नहीं है और यहाँ क्या है इक्वल टू का चिन्ह लगा हुआ है, यहाँ भी फ्री हुआ है, ठीक है ना, यहाँ भी फ्री है इससे। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं क्या होता है इसका प्रूफ। तो लिख देंगे डायरेक्ट, अगर एग्ज़ाम में आती है तो सबसे पहले तो मैं प्रूफ करना पड़ेगी फैक्टोलेम्मा थ्योरम, ठीक है ना। तो डायरेक्ट नहीं लिख सकती क्योंकि हमने इसमें वीडियो में पहले हमने प्रूफ कर दिया, इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं वाई फैक्टोलेम्मा क्या होती है एफ ई लेस देन इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन, ठीक है ना। बट फॉर ईच एन वी हैव एफ एन ग्रेटर देन एफ एन लेस देन इक्वल टू एफ एंड सो एफ एन लेस देन इक्वल टू एफ दिस इम्प्लाइज क्या हो जाएगा अपर बाउंड लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन लेस देन इक्वल टू एफ, ठीक है ना। इससे इससे क्या हो जाएगा लोअर बाउंड अपर बाउंड मिलके सिंपल क्या लिख सकते हैं हैंस कि एफ बराबर काय की होगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एफ एन की। अगर ई सेट नहीं लिखना चाहते हो तो नहीं लिख सकते, सीधी बात, अगर ओवर सेट ई दोनों में होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ पर बराबर होता है और वहाँ पर क्या होता है ई लेस देन और इक्वल टू के होता है, ठीक है ना। तो और हमारी यही थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी, ठीक है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी।
थ्योरम। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से डाउट क्लियर कीजिए DM करके, ठीक है ना। तो पूरा वीडियो हो चुका है और थोड़ा लैंग्वेज है इसमें, तो लैंग्वेज जितना प्रैक्टिस करोगे थ्योरम को उतना ही ज़्यादा बेटर तुम्हें समझ में आएगा। धन्यवाद।